नोएडा के सेक्टर 151 में भू माफियाओं ने डूब क्षेत्र में किसानों की जमीन को कब्जा कर आलिशान फार्म हाउस बनाए हैं। स्पोर्ट्स लैंड के नाम से यहां पूरा इलाका बसाया गया है। भू माफियाओं ने 300 बीघा सरकारी जमीन कब्जा कर आलिशान फार्म हाउस बनाए हैं। साथ ही किसानों की 100 बीघा जमीन पर भी भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। वहीं पीड़ित किसान अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, जिसके बाद पीड़ित किसान डीएम से मिले और डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं कुछ और कहा किसानों, क्या कुछ कहा किसानों ने, हमारे सहयोगी संजीव कुमार ने उनसे बातचीत की। 6 साल से जी भूमाफियाओं ने हमारी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है, जिसके चक्कर में हमने डीएम एसडीएम के यहाँ कम से भी कम 50 बार चक्कर काटा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। भूमाफिया यहाँ पर सक्रिय हैं, उन्होंने गुंडे रखे हुए हैं जबरन, जब भी गाँव के लोगों की मिलीभगत के साथ, एक एडवोकेट है राकेश शर्मा बिकल भाटी कौंडली गाँव से, इन लोगों के साथ मिलीभगत के साथ भारत शर्मा कौशल राठी, ये लोगों ने यहाँ पर ज़मीनों पर कब्जा करके, सरकारी ज़मीन पर और किसानों की जमीन पे कब्जा करके फार्म हाउस 50 से 60 लाख रुपए की कीमत पे ये बेचते हैं। हमारी जमीन कितनी है यहाँ पर, कितना खसरा नंबर? हमारे खसरा नंबर है जी 310 और 292, 310 और 292 है। 18 बीघे जमीन है हमारी जी, और जबरन हमारे ही गांव के जबरन उगर रहे हैं जी, और कुछ हमारे फार्म हाउस में दाब लिए। हम जब भी जाते हैं हमें गाली गुप्ता दे के मारपीट करते हैं और भगा देते हैं, और हमने कई बार डीएम और एसडीएम के वहां भी गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और हम मुख्यमंत्री वहां लखनऊ जाएंगे, वहां पर अपने आप ये बताइए कल डीएम साहब से मिले, क्या कहा उन्होंने? डीएम साहब ने एसडीएम को फोन कहा, फोन पर कहा, और तहसीलदार को यहाँ के मानने के बारे में कहा, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आया, और उनको बोल दिया गया कि एसडीएम छुट्टी पर है, और यहाँ पर हमारे साथ बहुत अत्याचार। कितनी जमीनें हैं टोटल? ये है यहाँ पर 26 बीघे जमीन है जी। अच्छा, और टोटल कितनी जमीन है जो कब्जा रखी है? यहाँ पर 26 बीघे जमीन है और कुछ सरकारी जमीन है 250। टोटल गाँव वालों की कितनी? 100-150 बीघे के करीब जमीन है जिनका इन्होंने उस पर कौंडली बांगर अलग है, कौंडली खादर अलग है, और उस पर उसको इन्होंने। अच्छा ये बताइए कि कब से आप चक्कर काट रहे अधिकारियों के? कुछ सर मुझे 3 साल हो गए चक्कर काटते हुए, और मैं जो है डीएम कार्यालय कई बार गया हूँ, और वहाँ ये अथॉरिटी ऑफिस कई बार गया हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपकी भी जमीन कब्जा रखी? हाँ जी। कौन कौन लोग हैं वो? वो ये भरत शर्मा हैं, जिसने जो फार्म हैकड़ी के बल पर जो हमारे में फार्म हाउस काट। जर्नलिस्ट मनीष के साथ संजीव कुमार, न्यूज़ इंडिया, नोएडा।